पर। इमरान खान का 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने का ऐलान। कहा, मुल्क की खातिर अपनी दोनों असम्बलियां कुर्बान कर रहे हैं, परवेज इलाही और महमूद खान का साथ देने पर मशकूर हूं। लिबर्टी में कारकुनों से वीडियो लिंक खिताब। कहा, नहीं चाहते यहां श्रीलंका जैसे हालात पैदा हों। कौमी असम्बली में जाकर अपने इस्तीफे मंजूर कराएंगे। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक वजारत से मुस्ताफी। सूबाई काबीना को इस्तीफा भिजवा दिया। काबीना इजलास में हसनैन दरेशक की वजीर आला से तल कलामी हुई। वजीर आला ने इजाजत के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वजीर गुस्से में आ गए, एहतजाजन उठकर चले गए। वजीर आला सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबान, तनख्वाहों में 50% मजीद इजाफे की असूली मंजूरी। सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस में इजाफा ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक किया जाएगा। इजाफा सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस बढ़ाने पर किया जाएगा। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बादशाहत, अपनों को नवाजने के लिए तमाम हदें पार कर दी। सरकारी घर अलॉट करने के लिए 100 से ज्यादा डायरेक्टिव जारी। सीएम के 2023 कोटे में भी तमाम घर अलॉट करा दिए। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के मुलाजमीन के लिए ज्यादा डायरेक्टिव जारी किए गए। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान, 15 किलो वाले आटे का थैला 49 रुपए मजीद महंगा। कीमत 1699 रुपए हो गई। चीनी का 50 किलो का थैला भी 20 रुपए महंगा। करियाना फरोशों को चीनी 91 रुपए 40 पैसे में मिलेगी। परचून में चीनी 2 रुपए महंगी, 97 रुपए किलो तक जा पहुंची। चीफ एग्जीक्यूटिव लेक सिटी गौहर एजाज का दी ट्रस्ट स्कूल को 4000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में गौहर एजाज ने कहा कि आज दी ट्रस्ट स्कूल में आना एजाज है। फारूक नसीम ने आज हीरे चुनकर इकट्ठे कर दिए। लाहौर रिंग रोड SL3 मंसूबा ताखीर का शिकार। पंजाब हुकूमत के अदम दिलचस्पी के बायस मंसूबे की लागत 20 अरब तक जा पहुंची। मेगा प्रोजेक्ट्स की लैंड एक्विजिशन पर 8 अरब रुपए खर्च किए गए थे। हुकूमत जाने का खौफ या मफादात का तहफुज। लाहौर मास्टर प्लान 2050 को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन। महकमा माहौलियात 19 दिसंबर को अवामी सुनवाई की रिपोर्ट मुरतब करने के लिए इजलास करेगा। रिपोर्ट के बाद फौरी मास्टर प्लान स्क्रूटनी कमेटी का इजलास होगा। सनअतों की तरक्की के लिए नई नस्ल को जदीद तालीम देने का फैसला। एशियाई तरक्याती बैंक महकमा इंडस्ट्रीज को 10 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत नए कोर्सेज का इजरा किया जाएगा। टैप्टा में 50,000 नौजवानों को अमली तरबियत दी जाएगी। 5,000 से जायद स्कूलों में सरबराहान की असामियां खाली। इंतजामी और तालीमी मामला ठप हो गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी से असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब। प्राइवेट स्कूलों की 1 से ज्यादा नाम पर रजिस्ट्रेशन में तजदीद ना देने का फैसला। आइंदा 1 ब्रांच की मुख्तलिफ नामों पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। स्कूल मालिकान के नाम पर रजिस्ट्रेशन जारी होने से तस्दीक का अमल आसान होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लेस्को की 12 करोड़ की नादहिंदा निकली। बिजली मुनकते, इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लेस्को आमने सामने आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए पानी भरना भी नामुमकिन हो गया। लेस्को ने दूसरे मरहले में स्ट्रीट लाइट्स की बिजली काटने की धमकी दे दी। सेवन क्लब चौक पर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का धरना। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उधर लेडी हेल्थ वर्कर्स का सुपरवाइजर्स का एहतजाज 3रे रोज में दाखिल हो गया। पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की। रियाज नजीर गाड़ा, रिफत मुख्तार राजा, सुल्तान अहमद चौधरी की ग्रेड 21 में तरक्की। डिप्टी कमांडेंट PC खुरम शहजाद को ग्रेड 20 मिल गया। अली जावेद, डॉक्टर आतिफ इकराम की DIG के अहदे पर तरक्की।
आईजी शिकायत सेल से साइलिन को रिलीफ मिलने लगा। ऑनलाइन शिकायत पर 3000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। आला अफसरान की हिदायत पर 50,000 से ज्यादा दरखास्त गुजारों की दादरसी की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर जावेद लतीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। पीसीबी के मामलों पर तबादला ख्याल। एमपीए जुगनू मोहसिन भी मुलाकात में शरीक थी। नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी का ओहदा मिलने का इम्कान। गवर्नर बलीगुर रहमान से यूएस काउंसलेट जनरल विलियम मैकनोयल की मुलाकात। पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के माहदे पर गुफ्तगु। अमरीकी काउंसलेट की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ कैथलीन गिबल्स को भी मौजूद थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी समीना खालिद घुरकी की जेर सदारत खवातीन विंग का इजलास। कारकुनों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। लाहौर साहिवाल उकाड़ा पतोकी की अहदेदारान की शिरकत। 20 एडिशनल सेशन जजेस का तरबियती कोर्स मुकम्मल। जुडिशियल एकेडमी में जजेस के एजाज में अलविदा तकरीब। डायरेक्टर एकेडमी तारिक इफ्तिखार ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। एडिशनल सेशन जज नदीम अब्बास साकी, कासिम अली भट्टी, इमरान नजीर चौधरी, तनवीर अहमद भी शामिल। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अशरफ, आरिफ फयाद, कामरान अहमद कोर्स करने वालों में शामिल हैं। जिला इंतजामिया के गैर जरूरी केसेस खारिज करने का मामला। जुडिशियल अफसरान को ऑनलाइन लेक्चर। जस्टिस जवाद हसन का गुजरात डिवीजन के जजेस को ऑनलाइन लेक्चर। वेटनरी यूनिवर्सिटी रावी कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन ने फीता काटा। वाइस चांसलर वेटनरी यूनिवर्सिटी डायरेक्टर जनरल रिसर्च समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। सूबाई वजीर ने हॉस्टल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। क्रिसमस की आमद। वजीर आजम की हिदायत पर यूहन्नाबाद में यूटिलिटी स्टोर खुल गया। एमएनए राना मुबशर इकबाल ने इफ्तिताह किया। तारिक जावेद, इश्तियाक गिल, तलहा खान समेत दीगर भी मौजूद थे। हाई कोर्ट के 3 जजेस अजायब घर की देखभाल के लिए मुकर्रर। अजायब घर की सुपरवाइजरी और तामीर और मरम्मत के लिए कमेटी की तश्कील। 9 जस्टिस जवाद हसन सरबरा होंगे। जस्टिस अनवारुल हक पनू और जस्टिस इसाल हसन कमेटी में शरीक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की भतीजी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शहबाज अली रिस्वी की शिरकत। जस्टिस सदाकत अली, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू समेत जजेस और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद। सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी से मुलाकात। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान तनवीर एजाज, राजा हसन अख्तर और नदीम मलिक भी मौजूद थे। विकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी रायवन रोड कैंपस में कॉन्वोकेशन। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौरे मेहमान खसूसी शिरकत। 17वीं कॉन्वोकेशन में 426 तलबा को डिग्रियां दी गई। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का कॉन्वोकेशन। 410 मेडिकल और 250 डेंटल ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गई। प्रोफेसर डॉक्टर एसएन वहीद राठौर समेत दीगर की भी शिरकत। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस खयाबान अमीन कैंपस में स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तलबा ने मार्च पास्ट, जुम्बा, जिमनास्टिक, जंपिंग में हिस्सा लिया। सीईओ खयाबान अमीन सोसाइटी साहिर रशीद की शिरकत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेसिक लेप्रोस्कोपिक स्किल्स पर वर्कशॉप रखी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास का लेक्चर। प्रोफेसर असकर नकी,
प्रोफेसर इब्राल अशरफ, प्रोफेसर अमीर अफजल समेत दीगर भी शरीक थे। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्रिसमस के हवाले से तकरीब, क्रिश्चियन बिजनेस फेलोशिप ने एहतमाम किया। सहर मलिक, नीलोफर सिकंदर, आयशा खुरम समेत दीगर की भी शिरकत। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का मामला, वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने पर हुकूमत का बड़ा इकदाम। पीसीबी का 2014 का आइन बहाल करने का असूली फैसला, वज़ारत-ए-बैनुल-सूबाई राबिता को टास्क मिल गया।